हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाइयों। सो गाइस कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को अपनी रैंकिंग बता दो यार कि आप सभी लोग की रैंकिंग क्या चल रही है और कैसी चल रही है आप सभी लोग की रैंक पुश। ठीक है ना। तो यार देखो आज के दिन की बात करें तो आज का दिन काफ़ी ठीक ठाक गया कॉन्करर रैंक पुशिंग में। मेरा तो माइनस तो खैर लगा नहीं, प्लस ही लगाया आज के दिन में तो, और काफ़ी ठीक ठाक मैचेस गए मेरे। तो यार देखो कल तुम्हारा भाई कुछ तूफानी करने वाला है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि कल तुम्हारा भाई क्या तूफानी करने वाला है, और डेट वेट सब कुछ सही से देख लेना। और कमेंट करके बता देना आपको क्या लगता है कि भाई तुम्हारा भाई क्या तूफानी करने वाला है। ठीक है ना, अभी कमेंट कर दो जल्दी से, या फिर सोच भी सकते हो वीडियो के खत्म होने तक, या फिर एक काम करो वीडियो पूरी देखो और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जाना कि भाई तुम्हारा भाई क्या तूफानी करने वाला है। तो सबसे पहले तो यार देखो यहाँ पे बोट भैया को मार के काफ़ी अच्छा खासा अपना शुभारंभ हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले टिप देना चाहूँगा गाइस यार, अगर आपके सामने दो बंदे आते हैं, एक तो बोट और एक रियल बंदा, सबसे पहले बोट को मारो क्योंकि बोट को मारना शुभ होता है, और बोट को मारोगे तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हो जाएंगे जहाँ तक मुझको लगता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी टिप, और अगर आप दूसरा बोट भी मार देते हो ना कैसे भी करके, लगातार दो बोट मार देते हो अगर आप एक मिनट के अंदर, तो समझ जाओ यार अब उस गेम के अंदर जीतने से तुमको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप खुद भी चाहोगे मरना तब भी आप नहीं मर पाओगे। ठीक, तुम बंदे के सामने जाकर हाथ खड़े कर भी मतलब मरना चाहोगे ना तब भी उस बंदे की गोलियां तुमको नहीं मार पाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो पता नहीं है कौन सा लो है, बस मुझे नहीं पता, समझ जाओ यार आप ही लोग, बस दो बोट मारो और चिकन लेकर के जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। सो गाइस सर देखो अभी थोड़ा बहुत गेम की बात कर लेते हैं, मतलब अभी पोचिनोक से दो बोट मारे थे सिर्फ मैंने, पोचिंग के में कोई भी नहीं आया था, पूरा प्लेन पाथ पोचिंकी के ऊपर से गया था, फिर भी एक भी हरामी बंदा वहाँ पर नहीं आया जो हमको अपने किल विल से दे देता। तो देखो हम यहाँ से जा ही रहे थे अपने ड्रॉप व्रॉप लूट करके, तभी राइट से मेरे को एक बाइक की साउंड आती है, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई यार पीछे की तरफ बंदे हैं, चलो यार इनको जा करके मारते हैं, वैसे भी मेरे दो ही किल हैं तो क्या पता किल विल मिल जाए मेरे को यहाँ पे। फिर तो गाइस हम यहाँ पर आते हैं, वो बंदा थोड़ा स्प्रे भी लेता है, और मैं यहाँ पर सोच रहा था भाई अब इस बंदे को मारे तो मारो कैसे, तो हम यहाँ पर वेट ही कर रहे थे, इतने में मेरा टीममेट यहाँ राइट की तरफ एक बंदे को नॉक कर देता है। तो मैं यहाँ पर इस बंदे को थोड़ा दबदबा दिखा रहा था कि भाई एम क्या पीक वीक लेने से डर ले थोड़ा सा मेरे सामने, तो फिर मैंने अपने टीममेट को यहाँ पर बोला भाई मेरा टीममेट तो तबाही सी मचा रहा, तो एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को उठाकर सीधा रश कर देता हूँ, टीममेट से कवर मांगता हूँ। तो टीममेट का जो कवर था काफी काम आता है, इसको दो तीन बुलेट मारे टीममेट ने पीछे से, और इजिली मैं इसको नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने अपना किल भी कंफर्म कर लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं उस बंदे को लूट करने के लिए आता हूँ, पर लेकिन टीममेट हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, तो सबसे पहले टीममेट की तरफ जाता हूँ, और बस अब देखो मेरी यहाँ पर पेटी बनने वाली थी। एंड गाइस सर सच बताऊँ तो यहाँ पर जो मेरी पेटी बनी थी वो मेरे टीममेट की वजह से ही बनी थी, क्योंकि ये माइक ऑफ करके बैठा था और उसने मेरे को बताया भी नहीं कि भाई ये जो बंदा ये है तो है कहाँ पर। तो मेरे को यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिल से बुरा लगता है क्योंकि मैं बंदे से सही से फाइट भी नहीं कर पाया और मेरे को उस बंदे ने बहुत गलत तरह से मार दिया, तो बहुत बुरा लगता है मेरे को। खैर कोई बात नहीं, फिर टीममेट वहाँ पर उस बंदे को मारता है और मुझको इजीली रिकॉल कर देता है। फिर उसके बाद अपन को यहाँ पर मतलब जोन काफ़ी छोटा हो गया था, मैंने वहाँ पर जाके थोड़ी बहुत पेटी वेटी लूटी, और उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पे जोन के अंदर, और ये वाला जो घर था काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा था यहाँ पर,
मतलब हमको सिर्फ एजी होल्ड करनी थी फिलहाल के लिए तो, पर लेकिन जो जोन था ना वो अपना साथ दे देता है भाई। जोन देखो एंड गाइस सर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके ऊपर इस टाइप से एक बार जोन बन जाए ना, आप किसी अजबर रुके और आपके ऊपर एक बार जोन कट गया, तो बस समझ लेना यार जोन तुम्हारे ऊपर ही बनने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो तुम्हारा भाई इस बात की गारंटी लेता है। तो फिलहाल के लिए देखो यार सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को ओपन में, और यार मैंने क्या ही स्प्रे चोक करा यहाँ पर, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, भारी वाला सीन हो गया था बिल्कुल। वो तो बस मार दिया था उस बंदे को, थोड़ा बहुत डैमेज वैमेज था वो कहीं से तो भी। सो गाइस सर देखो लगातार एक दो जोन अपने ऊपर ही बनते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये वाला जोन। और ये वाला जो जोन था ना गाइस ये अपने ऊपर से हट जाता है यहाँ पे। तो खैर जो जोन था वो खैर अपने से ज्यादा दूर भी नहीं गया था, तो सामने एक थोड़ा सा बहुत रिज का कवर था, तो हम वहाँ पर जाकर के इजीली अपना कवर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर मैं आराम से बैठकर स्पोर्टिंग कर रहा था और सामने उन बंदों की पागलों की तरफ फाइट चल रही थी, तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत नेड वेड भी ट्राई करता हूँ। खैर जो मेरा नेड था इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता यहाँ पर, फिर मैं राइट में स्पोर्ट कर रहता हूँ, इतने में मेरे को सामने एक बग्गी स्पोर्ट हो जाती है, और इससे पहले यहाँ पर ये बग्गी नहीं थी तो उसका मतलब ये कन्फर्म था कि यहाँ पर वो बंदा है, तो मैंने फिर सोचा बग्गी के टायर वायर फोड़ देता हूँ मैं इसके। और अभी सामने की तरफ से एक बंदा फायर भी कर रहा था, तो कन्फर्म था अभी अपने राइट में बंदे और कुछ सामने ही बंदे हैं। इसका नाम देखो। तो यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक बंदे को मारा था और उसका आप नाम देख सकते हो, वही तुम्हारे भाई का भी नाम है। फिर देखो यार यहाँ पर वो बंदे ने काफी अच्छा खासा डैमेज नहीं दिया मेरे को, खैर यार बस 10-20 HP तो गई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर यहाँ से हम अभी जोन के लिए निकल जाते हैं सीधा, क्योंकि यार देखो अभी 10-15 सेकंड रह गई थी और जोन पकड़ना है जल्दी से, वरना कभी बंदे आकर के हमारी जगह को कब्जा वब्जा ले और हम जोन के बाहर बाहर मर जाएं। तो देखो राइट की तरफ यहाँ पे स्मोक हो रहा था, और भाई साहब टीममेट क्या ही मारते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं लगा वहाँ पर मारा तो मारा कहाँ पर, तो मेरे तो एली लग गए थे पूरे यहाँ पे, क्योंकि यार जो टीममेट था वो 2 किल मेरी आंखों के सामने से बहुत ही ज़्यादा इजीली ले जाता है, तो दिल से बुरा नहीं लगता क्योंकि राइट से बिल्कुल क्लियर हो चुका था, पर लेकिन कंफर्म नहीं था मेरे को कि राइट में बंदे अभी हैं या फिर नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत राइट से कवर में भी था इस टाइम पे। तो सामने वाले जो बंदे थे ये अपने ऊपर नेड वेड फेंक रहे थे, और अभी तक भाई कोई भी फायर नहीं आ रहा था राइट से, तो मेरे को लगता है कि सामने की तरफ ही बंदे होंगे, और मेरे को सामने पेड़ पर एक बंदा स्पॉट हो जाता है, और यहाँ पर ये बंदे को नॉक करा, और अभी तो कन्फर्म था कि भाई पुश ही करना है इन पे। एंड गाइस इस बंदे को टीममेट मेरा इजीली फिनिश कर देता और ये गेम के अंदर अपन चिकन हो जाता है। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंड गाइस न्यू चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना मेरे भाई, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।